कभी कभी चीजें बिगाड़ के हमको सही रास्ते पे लाता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। मतलब हर नाकामयाबी का अंत कामयाबी है, मतलब एवरी फेल्यूअर हैज ए सक्सेस। और किसी ने बोला है कि अपने गाड़ी के चक्के जो हैं फेल्यूअर्स के नाम के चक्के बनाओ और सक्सेस के तरफ यात्रा करके निकल जाओ, तुम पहुंच जाओगे। मतलब ये जो असफलताएं हैं ना, और हम बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, सेहत के बारे में चिंता करते हैं, माँ बाप के बारे में चिंता करते हैं, पढ़ाई के बारे में चिंता करते हैं, शादी के बारे में चिंता करते हैं, खाने पीने का चिंता करते हैं, रहने का चिंता करते हैं, ये कोरोना वायरस के इसमें अपन लोग इसमें अपन चिंता करते हैं, कैसे बच्चे चिंता करते हैं, हर चीज करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि हर नाकामयाबी का अंत जो है एक कामयाबी है, हर फेल्यूअर का अंत जो है एक सक्सेस है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहा है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि एक और अवसर हमें दिया जीवित में रखा कि हम उसके वचन को सुन सकें, समझ सकें और अपने अनुभव में आगे बढ़ सके। आजकल इन दिनों में सभी जगह पूरी दुनिया में थैंक्स गिविंग मनाया जाता है, थैंक्स गिविंग मंथ ही बोलते हैं इसको नवंबर में। तो धन्यवाद, तो धन्यवाद, धन्यवाद के सिवा कुछ है भी नहीं जो हमारे पास देने के लिए। और ये धन्यवादी पर्व और धन्यवादी इतवार और ऐसे करके थैंक्स गिविंग सर्विस, थैंक्स गिविंग संडे, ऐसा करके अपन लोग करते रहते हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आगे बताना चाहता हूँ कि थैंक्स गिविंग जो है हमारे अंदर से होना चाहिए, एंड वी शुड सबमिट आवर सेल्फ, दैट्स द मेन थैंक्स गिविंग। और इसके संबंध में जो कि परेशानियाँ हमारे पास आती हैं और इस संसार में हम हैं, तो जैसा कि पिछले सर्मन्स में भी मैंने बताया कि स्टॉर्म्स हैं, आंधियाँ हैं जो कि हमारे ऊपर आती हैं, छाती हैं, लहरें आती हैं, और ये पाप जो है सागर है, और ये सागर पाप के सागर में ऐसा जाल शैतान बिछा के रखा है कि हम उसमें फंस जाते हैं। ऐसी भावनाओं को लेकर एक गीत हम पहले सुनेंगे जो अजीजा भक्तवत्सलम के द्वारा गाया गया है, जिसको मैं प्यार से अपनी बहन मुन्नी बोलता हूँ, उसके गाना सुनेंगे और उसके बाद फिर अपन परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। Yeah।
पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 जो कि हम सबों को याद है, बचपन से ही संडे स्कूल में याद दिलाते रहते हैं कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। और मैं कुछ इस प्रकार से सोचता हूँ कि थैंक्स गिविंग फॉर थैंक्स आई एम नॉट थैंकफुल फॉर, थैंक्स गिविंग फॉर थैंक्स आई एम नॉट थैंकफुल फॉर, मतलब जिन चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद नहीं दे सकता उनके लिए धन्यवाद देना ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इसको लेकर, लेकिन अनुभव के आधार पर बात करूँगा, आप उसको मेरे साथ समझने की कोशिश करिए कि हमें धन्यवाद तो हम देते हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं हम धन्यवाद देते हैं, वो तो है ही है कि भाई तूने नौकरी दिया धन्यवाद अपन सुनते हैं। प्रायः देखिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो होता है वॉचनेट सर्विस में अपन लोग करते हैं, गवाहियाँ दो, या नए साल में गवाहियाँ सुनते हैं, या चर्चेस में अपन गवाही सुनते, परमेश्वर ने मुझे भयंकर एक्सीडेंट से बचाया धन्यवाद हो, ठीक है प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने मुझे नौकरी दी धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे एंगेजमेंट किया धन्यवाद, शादी हुई धन्यवाद, बच्चा हुआ धन्यवाद, बच्चे, बल अच्छी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं, देते देते दे रहे हैं, दैट्स गुड, दैट्स नॉट बैड, अच्छी बुरी चीज मैं नहीं बोलता हूं धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जिनके लिए मैं धन्यवाद दे नहीं सकता, उनके लिए धन्यवाद देना वो किस प्रकार से हो सकता है, मतलब उसके लिए ऐसा हो सकता है कि मैं उसके संबंध में अच्छाई को सोचूं, एक उस प्रकार के विचार को कल्टीवेट करूं, उस प्रकार के विचार को अपने में उत्पन्न करूं और ये कहूं, मतलब बीच में जो है, अब आगे देखिए अभी हमको बुरा लगता है लेकिन बाद में जाके हमारे लिए फायदा होता है, ये तो बड़ी चीज़, हम तो पुराने नियम से ही देखते चले आ रहे हैं, इसराइली लोग के लिए देखते चले आ रहे हैं, उनके भविष्यताओं का देखते चले आ रहे हैं और सबकी बातें अपन सुनते आ रहे हैं और मैं भी कुछ कुछ बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि हमें उन बातों के लिए भी धन्यवाद देना है। जैसे मैं जो बताता हूँ, देखिए मैं आर्मी में जाने की कोशिश करता था, एनसीसी में था, पूरा सब कुछ किया, ओटीयू ऑफिसर्स ट्रेनिंग यूनिट के लिए मैं रिटर्न में सिलेक्ट हो गया, ओरल सेलेक्ट हो गया, सब हो गया, मेडिकली जो है मेरे को अनफिट हो गया क्योंकि उस समय बिना चश्मे के कुछ विजन चाहिए था जो मेरे में नहीं था। वो नेपाली डॉक्टर थे और वो डॉक्टर जो है आर्मी वाले, उनको भी बड़ा वो मेरा फिजिक वगैरह देख के बोले कि यू शुड बी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा आईसाइट नहीं है लेकिन तुम ऑफिशियल जॉब वगैरह के लिए कोशिश करो। मैं बोला वो सब मेरे को नहीं चाहिए। मैं घर गया, मेरी माँ जो है दुआ करती थी कि आर्मी में ना जाए, तो मेरे माँ से गुस्सा था मैं कि तेरे दुआ कारण मैं अटक गया हूँ, जो ऐसा भी है, लेकिन एक चीज़ देखिए उसमें जाता तो मेरा जीवन खुश हो जाता, लेकिन अभी जाता हूँ इस टीचिंग लाइन में था, 2 महीने की छुट्टी मिल रही, दिवाली की छुट्टी भी 1-1 महीने की मिलती थी, बाकी कैजुअल लीव भी है, अर्न लीव भी है, लेकिन सेवा करना जितना सेवा करना है वहाँ पर नहीं होता, ये सारी चीज़ें जो है भलाई बाद में पता लगता है, ईश्वर की योजनाएँ हमारे प्रति रहती हैं, हमारे जो मांगते हैं ना वो नहीं मिलता उसके लिए भी धन्यवाद दो क्योंकि खुदा जो है उसमें भी हमें आशीष देता है। हम कहीं देखे वहां हो जाना चाहिए शादी, अपनी शादी या बच्चे की शादी हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, उसमें भी भगवान को धन्यवाद दो, वो होता तो क्या होता बाद में पता चलता, नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ ये बाद में पता चलता। इसलिए बोलता है पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में कहता है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इसमें तीन बातें, तीन खंड इसको करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहली चीज देखिए ये बोलता है कि इट इज ए कमांड, एक आज्ञा है, ये आदेश है जो कहता हर बात में धन्यवाद करो, आदेश है, आज्ञा है, ऑर्डर है, कमांड है। और इसको करने के लिए देखिए भजन संहिता उसका 92 अध्याय का पहला वचन जो है मैं पढ़ के बताता हूँ छोटा सा, यहोवा का धन्यवाद करना भला है कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, ये हमको मालूम है, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें हमारे मुंह से धन्यवाद नहीं निकलता है, मैं नहीं बोलता निकालो करके, मत निकालो, लेकिन उसके बीच में, उस उलझन में, उस समस्या के बीच में रह के सोचो कि कैसे मैं धन्यवाद दे सकता हूं, तो सारी चीजों का हल प्राप्त हो जाता है। भजन संहिता 100 देखिए 100 Psalm जो है इसमें 4th वचन में कहता है उसके भजन संहिता 100:4 उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। एड्रेस दिया है परमेश्वर के पास कैसा जाना है, एड्रेस मेरा मकान कैसा आना है, फलाने शहर में, फलाने मोहल्ले में, फलाने गली में, फलाने मकान नंबर में आओ करके रास्ता बताते हैं ना,
और यहाँ पर बोलता है उसके फाटकों से जाओ, कैसे जाओ, धन्यवाद करते हुए जाओ, और उसके आंगन में प्रवेश करके स्तुति करते हुए प्रवेश करो तो परमेश्वर के पास तुम पहुंच जाओ। धन्यवाद करो, स्तुति करो, आराधना करो, प्रेज हिम, वर्शिप हिम, थैंक हिम, तब जो है हम उसके पास जा सकते हैं। और फिर भजन संहिता 103 तो पिछले ही संडे को मैंने बताया था, धन्यवाद दो और उसके किसी उपकार को मत भूलो। याद रखने की बात छोड़ो, मत भूलो, कम से कम अपने जीवन में कभी मौका आता है याद करते जाओ कि कैसे कैसे भलाइयां मेरे पैदाइश से लेकर अब तक बचाया है। और सदा तो है, तो अनंत जीवन तो यहाँ का नहीं है, लेकिन अनंत जीवन तो हमारे लिए वायदा किया हुआ है, तो उसमें भी अपन भरोसा रखो ना, उसके लिए तब प्रयास करो और उसमें अपना आनंद मनाओ, उसके लिए आनंद करो, क्योंकि बोलता है कि इट इज ए कमांड। क्योंकि एक तरह देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय को आप पढ़ेंगे, हम सबको बहुत कॉमन मालूम है, 10 कोड़ियों का बात कहा है, है ना। ये 10 कोड़ी जो है जाते हैं यीशु मसीह के पास, चिल्ला के बोलते हैं, क्योंकि दे शुड नॉट टच हिम, और वो दूर है, वो क्या है, वो बायकॉटेड है, उन लोग एक्सकम्युनिकेटेड है, और वहां से उन लोग चिल्लाते हैं, और यीशु मसीह उनको बोलता है जाओ तुम दिखाओ याजक को और चले जाओ। मतलब यहाँ पर अभी ठीक नहीं हुए है, अब क्या करना, इनको दे हैव टू फॉलो दैट कमांड, उस आदेश का पालन करना है और जाना है। जैसे नामान को उसने बोला जा डूब करके, तो वो जाके माना, डूबा और वो चंगा हो गया। और इधर एस्तेर के उसमें देखेंगे हामान तो नहीं माना, नामान जो है मान गया। तो ये हमें मानना है, उस चीज का आदेश का पालन करना है। क्यों? क्योंकि ये 10 कोड़ियों में 10 गए, 10 चंगा हो गए, और 10 चंगा होने के बाद मजे की बात देखे, एक जन लौटा यीशु मसीह के पास, 9 पता नहीं। पहले एक को देखो, ये सामरी था, ये जो है अन्य जाति था, ये जो है बायकॉटेड था, ये जो है नीच टाइप का था, जो भी है, लेकिन ये आके यीशु मसीह को धन्यवाद देता, तो बोले बाकी 9 कहाँ है। मैं बताता हूँ 9 कहाँ है, 9 कहाँ है, दे आर एंजॉइंग देयर ब्लेसिंग्स। ये लोग अपने आशीषों को प्राप्त करने के बाद उसका अनुभव कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्किन ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई, नॉर्मल हो गए, याजक एक्सेप्ट कर लिया, सर्टिफिकेट मिल गया इनको, फिटनेस हो गया, सब हो गया, अब ये खुश हैं, और खुश हैं तो खुशी में डूबे हुए हैं, यीशु मसीह को भूल गए। मैं बोलता हूँ दे आर एंजॉइंग द ब्लेसिंग्स, एंड दिस फेलो ये यीशु मसीह की प्रेजेंस को एंजॉय कर रहा है, सोर्स को समझ लिया है, मुझको जाना है, धन्यवाद देना है जिसने मेरे प्रति भलाई की है। आदेशों का तो 10 लोग पालन किए, लेकिन आखिरी में क्या हुआ कि 9 तो ठीक होने के बाद भी गए और एक जो है बेचारा आके किया है। यही देखे, मतलब दूसरे कुरंथी उसका 12वें अध्याय में अपन पढ़ते हैं ना, अब निकाल के अपन पढ़े, देखिए दूसरे कुरंथी 12 अध्याय में, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ उसको पूरा, आप बाद में पढ़ते रहना आगे पीछे, क्या बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। माई ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि फॉर माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। तेरे क्या है, मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती, जब तू निर्बल होता है ना तभी मेरा सामर्थ सिद्ध होता है। पौलुस जो है दुआ करता है यार कि ये कांटा निकाल दे, कई लोग उसको बोलते हैं कि कुछ आस्थमा का अटैक आता था उसको, कुछ लोग बोलते हैं आग का प्रॉब्लम था, कुछ लोग उसको कुछ बोलते हैं अपेंडिक्स था, और वो पेन के मारे परेशान रहता था, और वो दुआ किया पहले बार तो उसको खुद यीशु मसीह ने बोले माई ग्रेस इज सफिशियंट, दूसरे बार बोला मेरे को ठीक कर दे बाप, तेरे ही तो काम कर रहा हूँ, तो बोले नहीं माई ग्रेस इज सफिशियंट, उसको फिर तीसरे बार फोन किया, अंत ही दाई मैं बता रहा ना तेरे को, मैं बहुत है, वो रहना चाहिए, एक कांटा रहना चाहिए, उस कांटे से ही तो तू संभला हुआ है, उसीलिए तू मेरे पास है, शायद ये अलग दूसरी भाषा में बोलना चाहे तो, इसलिए जो तकलीफ है वो है रहने दे, लेकिन उसमें क्या है कि जब तू निर्बल होता है ना तब तू ज्यादा मुझसे शक्ति प्राप्त करता है, तब तू ज्यादा मुझसे दुआ करता है, जब तेरी आवश्यकता आती है ना तब मेरे करीबी को रहता है, शायद पूरा हो जाए, पूरी चंगाई मिल जाए, शायद पूर्ण रीति से ठीक हो जाए, तो तू मुझे याद नहीं करेगा, भूल जाएगा, वो 10 के समान यू विल बी एंजॉइंग द ब्लेसिंग एंड फॉरगेटिंग द मेन सोर्स,
ये चीज हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्या बोलता है कि आदेश देता है कि ये एक कमांड है, हर बात में धन्यवाद करो। यहाँ पर आदेश दे रहा है और ये भविष्यता, ये जो दास जो है आदेश दे रहा है कि तुम हर बात में धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अब इसी में मैं अब दूसरे चीज पे आता हूं। तीन भाग बोला ना मैं, दूसरा, पहला है इट्स ए कमांड, दूसरा ये है इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, इसका संदर्भ देखिए, उसका प्रसंग क्या है। कॉन्टेक्स्ट मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करके आता है ना, कॉन्टेक्स्ट क्या है, हर बात में धन्यवाद करो। क्या बोलता है, इन एवरीथिंग, ध्यान से पढ़ना इसको, समझना, ग्रामेटिकली भी देखना इसको, हर बात में धन्यवाद करो मतलब इन एवरीथिंग हर बात में धन्यवाद करो, में हर बात के लिए धन्यवाद करो नहीं दिया, मतलब ऐसा नहीं लिखा कि फॉर एवरीथिंग, ऐसा नहीं बोला, इन एवरीथिंग, समझ रहे ना मेरा मतलब जो है, मतलब हर बात में धन्यवाद करो। कैसे में धन्यवाद करो, हर एक अच्छी बात के लिए हम थैंक्स देते हैं लेकिन दुख या बुरी घटना के लिए धन्यवाद नहीं देते हैं, और हमें सोचना पड़ता है कि इसमें कैसे धन्यवाद मैं कर सकूं, और जब सोचोगे ना तो उसका रास्ता निकल जाता है। नाव में थे, लहरें आ रही थी, मरने पर थे, लेकिन वहां यीशु मसीह है करके हम धन्यवाद दे रहे हैं। अंधेरा था, दिख नहीं रहा, बिजली चमकी, यीशु मसीह दिखा, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि मेरे मुसीबत में तू दिखा, मेरे मुसीबत में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में प्रभु तू है, तेरे सलीबी लहू मुझे टच कर रहा है, वो गर्मी मेरे अंदर में आ रही है, वो उत्तेजना मेरे अंदर में आ रही है, एंड आई एम फीलिंग दैट प्रेजेंस, मैं तेरे उसका अनुभव कर रहा हूं। इसलिए कैसे, तेरी भलाइयां जो है तूने किया है, इतनी सारी भलाइयां तूने किया है जिसको मैं भूल नहीं सकता, और इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। अब देखो यहां पर मैं छोटी एक चीज बताना आपको चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखिए मतलब एक्टिव प्रैक्टिकल एक्चुअल स्टोरी नहीं है, ये घटना है, मैं पढ़ा था जिसको मैंने नोट करके रखा भी है। ये है 11/9 वाला अमेरिका का, जो ट्रेड सेंटर में जाके हवाई जहाज मारा ना, उसमें उस हवाई पैसेंजर्स प्लेन था, उस प्लेन में रॉबर्ट मैथ्यू करके एक था, कोई एक है, वो परमेश्वर का अच्छा विश्वासी था, जवान था, और उसकी शादी हुई थी, नहीं मतलब काफी एक साल डेढ़ साल हो रहा था, शादी हुई थी, और वहां पर एक रेडियो स्टेशन में, नॉर्फलॉक वर्जीनिया के रेडियो स्टेशन में एक जन ने इंफॉर्मेशन दिया और ये स्टोरी बताया, और वहां से ये ब्रॉडकास्ट हुआ था उस रेडियो में। वो चीज को नोट करके किसी ने सोल्ड ऑफ द लॉर्ड मैगजीन में लिखा, उसको मैं पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। रॉबर्ट मैथ्यू करके था, और ये इसकी वाइफ जो है, जस्ट शी बिकेम प्रेग्नेंट, कंफर्म हुआ कि प्रेगनेंसी है, वो सब हुआ तो उन्होंने बोला कि, और वो बोली कि मैं जाऊंगी कुछ अपने बहन माता पिता लोग के साथ, मैं जाके शायद कैलिफोर्निया या कहीं पर जाके मैं थोड़े समय उसके उनके साथ रह के आऊंगी करके उसने किया। तो ठीक है, जा करके उसने टिकट बुक किया, और उसमें ये रॉबर्ट मैथ्यू के पेरेंट्स भी वहीं थे, उनसे भी मिलना था उसको, तो जा रहे थे, जाने के लिए कार में निकले, और एयरपोर्ट थोड़ा एक डेढ़ घंटे का रास्ता था, बीच जाके तो टायर पंचर हो गया, फ्लैट हो गया। जैसे टायर पंचर हो गया तो उतरा और जल्दी से बदला वदला जो भी किया, जैक वैक लगा के, अकेला था बेचारा, परेशान हुआ, सब किया, और करने के बाद एयरपोर्ट पहुंचा, तब तक प्लेन तो छूट गई। फिर ये वापस घर पहुंचे तो इसके फादर, रॉबर्ट के फादर जो है वो जैकब मैथ्यू करके, उसने फोन किया कि बोले कि बहू निकल गई क्या? तो बोले नहीं पापा, वो जो है प्लेन मिस हो गया, ऐसा ऐसा टायर फ्लैट हो गया। तो नहीं बोले, फिर बढ़िया हुआ, क्योंकि वही प्लेन जो है उस टावर में डैश हुआ और वहां पर ये घटना जो हुई है वही प्लेन है, उसमें ये रहती तो खत्म हो जाती। और ये जो पापा थे ना इसके, ये जो जेकब मैथ्यू, ये रेस्क्यू स्क्वाड में काम करता था, ये उसी ड्यूटी में गया उस प्लेन में, वहां पर कुछ लोगों को सबको निकाले, दबे बच्चे निकालने में ये करके, ये खुद घायल हो गया और ये खुद जो है और एकदम हॉस्पिटलाइज हो गया, तुरंत हॉस्पिटल में ले गए, और वहां पर जो बचे थे एक फैमिली, उन लोग उसको जाके मिले और खत्म हो गया। अब ये जो है बाप उसका खत्म हो गया, मतलब ये जैकब जो है मर गए। अब उसके बाद ये रॉबर्ट और उसकी वाइफ जो है ये करते थे, ये दोनों तो सेव्ड थे, लेकिन बोले पापा जो है सेव्ड नहीं थे, कैसे हुआ, वो खत्म हो गए कहाँ, तो नरक के सिवा कोई दूसरा जगह है नहीं, क्योंकि उन्होंने
प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया करके चिंतित थे। एक साल हो गया, दो साल हो गया, दो साल बाद एक कपल एक बच्चे को, लग के दो साल के बच्चे को लेके आए और आके बोले, बड़े मुश्किल से हमने आता पता सब पता लगा के हम तो आपको पहचान, आपका घर का पता लेके आए हैं हम लोग। और तो बोले, हाँ बोलिए क्या है। तो बोले, रॉबर्ट मैथ्यू आप ही हैं। बोले हाँ। जैकब मैथ्यू आपके पिताजी हैं। बोले हाँ। तो बोले ठीक है। हम लोग उस प्लेन में थे और उस प्लेन में वो क्रैश हुआ और उसमें हम मर रहे थे। एंड दिस लेडी वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम। ले दे के बोले, तुम्हारे पापा ने हमको बचाए। हमको बचाते बचाते वो इतने बुरी तरह घायल हो गए थे कि उनकी सांस नहीं चल रही थी। और हम जब मुश्किल से उनसे बात किए, हम तो बिल्कुल परफेक्टली ठीक थे, तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे लोग मेरे लिए खूब दुआ करते थे और मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ, बोल के उन्होंने अपनी जान को दी। ऐसा करके उन्होंने बताया। इतनी खुश हुआ ये रॉबर्ट मैथ्यू और उसकी वाइफ की, और मतलब हम जो चाहते थे सोचे थे नहीं है, लेकिन खुदा देखे कैसे आंसर देता है, कैसे काम को करता है, नियत समय पर नियत ढंग से नियत काम को करता है, पूरा करता है। ये घटना जो है, वो लोग बोले कि ये जो बच्चा जो है ना, देखे ये हमने इसका नाम जैकब रखा है क्योंकि ये जैकब मैथ्यू के कारण ये बच्चा है, इसलिए आपके पापा का नाम हमने इसको दिया है। ये भी उन्होंने बताया है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्लेन मिस हुआ, उस समय तो इनको कितना अखरा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो हुआ परमेश्वर की योजना थी। कभी कभी जी बिगाड़ के हमको सही रास्ते पे लाता है, ये मैं बताना चाहता हूं। मतलब हर नाकामयाबी का अंत कामयाबी है। मतलब एवरी फेल्यूअर हैज ए सक्सेस। और किसी ने बोला है कि अपने गाड़ी के चक्के जो हैं फेल्यूअर्स के नाम के चक्के बनाओ और सक्सेस के तरफ यात्रा करके निकल जाओ, तुम पहुंच जाओगे। मतलब ये जो असफलताएं हैं ना, और हम बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, सेहत के बारे में चिंता करते हैं, माँ बाप के बारे में चिंता करते हैं, पढ़ाई के बारे में चिंता करते हैं, शादी के बारे में चिंता करते हैं, खाने पीने का चिंता करते हैं, रहने का चिंता करते हैं, ये कोरोना वायरस के इसमें अपन लोग इसमें अपन चिंता करते हैं, कैसे बच्चे चिंता करते हैं, हर चीज करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि हर नाकामयाबी का अंत जो है एक कामयाबी है, हर फेल्यूर का अंत जो है एक सक्सेस है, क्योंकि ये जो है एक कॉन्टेक्स्ट जिसमें एक संदर्भ बताया है। क्या बोलता है? हर बात में धन्यवाद करो। मतलब बीच में हमको खोजना पड़ता है, इस बात में कैसे मैं धन्यवाद करूं, इसमें क्या मेरी भलाई है। खुदा सबसे बड़ी भलाई यह है कि जो भी समस्या मेरी आई है, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है। जैसे मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि उसने बोला डर मत। ये शब्द याद रखो और जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ, विश्वास में कायम रहो, स्थिर रहो और चलते जाओ। क्योंकि देखे मैं बहुत अच्छा लगता है, सबको मालूम है हबक्कू की पुस्तक उसका आखिरी अध्याय जो तीसरा है उसमें देखिए क्या बोलता है, यानी कैसा डिक्लेयर करता है। हकीकत को जब जान जाएंगे ना, जब हम असलियत को जान जाएंगे ना, जब उसके प्रेम को हम समझ जाएंगे ना, जब उसके अपन दिल से अपन धन्यवाद देंगे ना, अपने कमी घटी में भी उसको हम धन्यवाद देना सीख जाएंगे ना, तो हम आनंद प्राप्त करते हैं और वो आनंद जो है हमें उस कमी घटी को पूरा करके डेफिसिट विल टर्न इंटू सरप्लस, प्लस में हो जाता है। क्या बोलता है? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, तो भी कैसे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, अच्छा, और उसके बाद और ना थानों में गाय बैल हो, वो भी सब खत्म हो जाए, और तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आई विल जॉय इन द गॉड ऑफ माई सैलवेशन। मैं खुदा के लिए प्रभु में मैं आनंदित रहूंगा। अय्यूब की पत्नी बोलती है कि छोड़ तू भी, यू कर्स यूर गॉड, जैसे बाकी करते हैं जनरल, तू भी कर, क्या रखा है। तो क्या बोलता है? अरे जोब की पत्नी मिसेस जोब, इतनी दुष्ट कब हो गई तू, ये कैसी बात कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने दिया, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य हो।
एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, ही गॉट एवरीथिंग इन डबल, सारी चीजें वो डबल में प्राप्त किया। कैसे? एस्तेर को इतना ब्यूटीफुल क्यों बनाया? इस ब्यूटी का अर्थ क्या? राजा अट्रैक्ट हुआ। राजा अट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ब्यूटी थी। ब्यूटी कहां से था? परमेश्वर ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि समय पे जाए और जाके वहां पर काम करे और अपने कौम को बचाए, इसके लिए उसने उसको तैयार किया। ऐसे मूसा को देखिए कैसे किया, वो जाके वो नदी में वो रॉल के उसमें वो टोकनी में डाल दिए, और टोकनी में डाल देने के बाद उसकी बहन आके देखी, उसी समय रानी आई, रानी वो पुत्री आई वो राजा की, और वो नहान लेके गई, और उसी समय ये भी था, वो देखी और उसने उस माँ को बुलाया, वो नैनी वो दाई बन के गई और अपने बच्चे को अपना पाली, और मूसा को अपने ही माँ का दूध पीने मिला, और उसको जो है किया और उसको वहां से निकाला, 40-80 साल बाद फिर से उसको वहीं लौटाया। कैसे? प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे साथ में है तो मुझे कोई डर नहीं है। मूसा को भी उसने कामयाबी किया, मूसा को भी उसने बचाया। वैसे ही हम देखें जो यूसुफ के बारे में देखिए, उसको क्या हुआ? गड्ढे में डाल दिए, क्या मिला? जेल में डाल दिए, क्या मिला? पूछे क्यों ऐसा हुआ? बोले इसलिए ऐसा हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स को बचा सकूं और बता सकूं, क्योंकि राजपाट लेने के लिए मुझे गड्ढे में जाना पड़ा। गड्ढे में नहीं जाता तो वहां पर वो वाला पोस्ट मेरे को नहीं मिलता, अब मेरी फैमिली नहीं बचती। कैसे हुआ? एस्तेर ब्यूटी नहीं होता तो वो यहां पर बचा नहीं पाती। मूसा वहां पर जंगलों में नहीं घूमता तो अपने कौम को नहीं बचा पाता। उतनी ट्रेनिंग नहीं मिलती, उतनी तकलीफ नहीं मिलती तो ये लाल समुंदर को पार नहीं करा पाता, निकाल नहीं पाता, क्योंकि ये सारी चीजें जो है देखिए, गिव थैंक्स गिव थैंक्स गिव थैंक्स, और एक बात में धन्यवाद करो। और क्या बोलता है दूसरे कुरंती में बताया आपको, 12वें अध्याय क्या बोलता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। बोलता है माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, चंगाई की बात छोड़। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, गरीबी की बात छोड़। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और जो भी परेशानी है उसकी बात छोड़। मेरा अनुग्रह बहुत है, कितनी भी बड़ी तूफान हो फिक्र मत कर। मेरा अनुग्रह तेरे साथ में है क्योंकि निर्बलताओं में मैं तेरा साथ देता हूं, और जो है मतलब मेरे पास जो है उसके लिए तो धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरे पास जो नहीं है उसके लिए धन्यवाद दो। और जैसे दो मछली 5 रोटी का थोड़ा सा यदि उस लड़के ने उसको दिया, वो बहुत करके लिया, 12 टोकनी और बच गई। मतलब तू यदि थोड़ा देगा तो वो बहुत हो जाएगा, तू यदि थोड़ा देगा बहुत हो जाएगा, थोड़ा काम करेगा बहुत आशीष मिलेगी, तू थोड़ा सा वचन प्रचार करेगा बहुत से लोग सुनेंगे। आज नहीं पता लगता है लेकिन बाद में पता लगेगा कि कभी कोई सुना था उस चीज का असर हुआ। कभी कोई बोने के बाद तुरंत पौधा थोड़ी निकल जाता है यार, बोने के बाद उसमें पानी डालो, ये करो वो सब होने के बाद उसमें फूटता है पूरा, वो पूरा उसका प्रोसेस पूरा होने के बाद तब वो फूट के निकलता है, तब वो पौधा निकलता है, तब वो दाना फिर देता है, तब उसमें फल आता है, तब होता है। मतलब ये हुआ कि प्रेज हिम प्रेज हिम प्रेज हिम प्रेज हिम गिव हिम थैंक्स। यदि तुम दही भी देना चाहते हो ऐसी भी परिस्थिति है तो उसको कन्वर्ट करके धन्यवाद दो। मतलब मैं बोलता हूँ परेशानी है तकलीफ है, मैं बोलता हूँ है, मुंह से निकलेगा नहीं मैं जानता हूँ होता है, लेकिन फिर उस समय सोचो प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए बोलता है हर बात में धन्यवाद करो। मतलब उसके अंदर पढ़ के हम जैसा करता है कि क्योंकि हर बात में धन्यवाद करो, हर बात के लिए धन्यवाद करो नहीं, हर बात हो जाने के बाद धन्यवाद के लिए नहीं, फॉर नहीं, इन कहता है, उसको हमको करना है। और ये हम जब सीख जाते हैं ना तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है, सारी फिक्र दूर हो जाती है, और वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन लेट इट हैपन, बिकॉज मैं तो मेरा सीट रिजर्व है, मैं सब कुछ है, मुझे कोई नुकसान कोई कर ही नहीं सकता और कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भारे संसार का बनाने वाला माई बाप मेरे साथ में, तो मुझे कौन क्या कर सकता है, इसलिए धन्यवाद करो। और देखिए वैसे ही अब मैं आपको बताता हूं, देखिए तीसरा जो भाग है, पहला मैंने आपको बताया इट इज ए कमांड, ये आदेश है आज्ञा है। दूसरा मैंने संदर्भ बताया कि क्या है, मतलब कैसे इन एवरीथिंग करके हर बात में धन्यवाद करो। तीसरा जो है एक कंसर्न जिसको मैं बताना चाहता हूं, मतलब इसको दूसरे शब्दों में बताऊं व्हाई, क्यों धन्यवाद दूं, मतलब क्या कंसर्न है, क्या इसमें ये है, क्यों धन्यवाद मैं दूं, क्यों धन्यवाद दूं, क्योंकि देखिए
ग्रंबल जो करते हैं ना अपन, गुनगुनाते हैं, सनगुनाते हैं, ये क्या कर दिया, मेरे को क्या किया, मेरे लिए क्या मिल गया, मेरे को क्या हुआ, ऐसा करके मतलब जितना भी दो कभी सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मिशनरी लोगों ने इतना हेल्प किया, उसके लिए सब कुछ किया, मतलब सब घर बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, बच्चों की शादी करा दिए, वो करा, सब करा दिए, तो उसके बाद बोलते क्या दिया मेरे को, और क्या दे रहे तेरे को। यू शुड बी थैंकफुल। सोचो जरा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, क्या किया ये नहीं, क्या किया सोचो, सब कुछ किया, और उसने क्या बोलता है, उसमें कंसर्न क्या है। मतलब मैंने जैसे आपको बताया, गिव थैंक्स फॉर थिंग्स आई एम नॉट थैंकफुल फॉर। परमेश्वर को धन्यवाद दो जिसके लिए धन्यवाद देने का मन मुझे नहीं करता। सोचो कि कैसे हुआ, प्लेन क्यों मिस हो गया, उस समय तो ऐसा लगे इतना दुआ करके हम लोग घर से निकले हैं, इतना हम किए हैं, फिर भी प्लेन मिस हो गया। मैं इतना दुआ किया, इतना किया, उपवास प्रार्थना भी किया कि मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो जाए, मेरा नहीं हुआ। मैं कितनी कोशिश किया, कितना चंदा चढ़ाया, कितने दिन उपवास रहा, और लगातार 40 दिन का उपवास किया, मेरे बच्चे का अच्छा नौकरी लग जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए, वो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हर चीज बाद में पता चलता है मेरे जीजों, याद रखना। लेकिन एक है कि हम क्यों थैंक्स दें, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान हमें दे दी, क्योंकि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया, इसलिए धन्यवाद दूंगा। अब इसके लिए धन्यवाद नहीं दूंगा तो बोल ही नहीं सकते हैं। कौन से मुंह से बात करते हो, क्या बात करते हो, क्या सोच के बात करते हो। थिंक अबाउट यूर सेल्फ, अपने दिल की बात सोचो ना कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, और हम जानते हैं एंड वी नो दैट एवरीथिंग हैज बीन डन फॉर मी, सारी चीजें मेरे लिए हुई हैं, सारी बातें मेरे लिए हुई हैं, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानने के बाद भी नहीं करता, क्योंकि ये बाहरी मनुष्य तो मुझे दबाता है, और ये शारीरिक अभिलाषाएं मुझे खींचती हैं, और ये संसारिकता मेरे दिमाग में छाया हुआ है, मेरी आंखों को शैतान ने अंधी कर दी है, मेरा विजन खराब कर दिया है, मेरे को सही चीज दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को सब बुरी चीज दिखाई दे रहा, विचार जो है बुरे आ रहे हैं, मन में बुराई है, मेरे अंदर में कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है, और जो है घमंड है, और अपने आप पे भरोसा ज्यादा है, मेरे को संपत्ति दौलत नौकरी सबका क्वालिफिकेशन का घमंड है, काहे का घमंड है, कौन दिया तेरे को, परमेश्वर ने दिया। तो वी शुड बी थैंकफुल, हम उसके लिए धन्यवाद करें, हम उसमें धन्यवाद रहें, क्योंकि यीशु मसीह में ये है कि परमेश्वर की यही इच्छा है। क्यों देना है, why should I thank him, क्योंकि this is the will of the God, ये परमेश्वर की इच्छा। क्या बोलता है, यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, इसलिए तुमको करना है, इसलिए मुझको करना है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है, धन्यवाद ही मन प्रकट करना है, धन्यवाद धन्यवाद करके दुआ करना है, धन्यवाद के साथ सोना है, धन्यवाद के साथ उठना है, धन्यवाद के साथ गाना है, धन्यवाद के साथ होना है, धन्यवाद के साथ काटना है, धन्यवाद के साथ आगे बढ़ना है, धन्यवाद के साथ दूसरों से बात करना है, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह को दूसरों को दिखाना है, अपने जीवन से प्रकट करना है, सारी बातों के लिए धन्यवाद देना है, हर चीज के लिए धन्यवाद देना है। इसके सिवा मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं बोलूं, कितना बोलूं खत्म नहीं होता। क्यों, सब बातें मिलकर धन्यवाद धन्यवाद उभारते फूट के निकलता है। कैसे, देखिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय में बोला कि नहीं, आप समझ गए होंगे क्या वचन मैं पढ़ने जा रहा हूं। 28 में क्या बोलता है, हम जानते हैं, मैं नहीं, हम सब, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सुनने वाले सब जानते हैं, कलीसिया के सब जानते हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस के जानते हैं, मेरे रिश्तेदार जानते हैं, सब लोग समझते हैं, और हम सब जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम सब उसके बुलाए हुए हैं, हम सब उसके संतान है। क्या बोलता है, पिता इन्हें क्षमा कर, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं नहीं निकालूंगा, और ये सब मेरे बच्चे हैं, और इन सब के साथ मेरे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं इनके लिए जान देता हूं, ताकि इनके पाप जो है इनको ना रहे, और इनके पाप को मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, इनको निष्पाप कर देता हूं।
निष्कलंक कर देता हूँ एंड आई एम रेडी टू गिव यू सेल्वेशन. ओनली थिंग इज टू आप आदेश यू ओबे एंड कम. आज्ञा का पालन करो और आ जाओ. मेरे न्योता का पालन करो, आ जाओ. मेरे मांगने को कम कम सुनो, मेरे अपील को सुनो, मेरे विनती को सुनो. मैं तुझसे प्यार करता हूँ. ये है इसको समझना है हमको, सब बातें मिलकर. लेकिन देखिए कैसे बता, मैं एक आपको एग्जांपल बता के मैं ख़त्म करना चाहूँगा. देखना मतलब प्रैक्टिकल चीज़ मैं बताता हूँ. बिल्कुल जन जो है कि केक बनाते हैं ना, उसके संबंध में देखिए, क्योंकि मेरी वाइफ बनाती थी ना, तो मैं भी रहता था शुरू में, तो शक्कर गोलो ये करो वो करो, लन फन बहुत बहुत काम रहता था. खैर जो भी है, बाद में जाके इजी हो गया, जैसा भी बेक वेक करते हैं. लेकिन देखिए उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें जो डालते हैं, उसको खाली एसेंस उसमें जो डाल रहे हैं उसको मुँह पर रखने लायक इच्छा ही नहीं होती, और होगी तो बहुत कड़वा रहेगा. और उसमें देखिए जानने वाले जो है आटा मैदा, उसको जब डाले मैदा को खाओगे क्या? मैदा को नहीं खा सकते, उससे भी नहीं. नाक में जाए तो छींक आएगा और लगे तो खाली आटा खा नहीं सकते. और जो कुछ भी उसमें सारी चीज़ें जो डालते हैं ना, जैसे संतरा के छिलके सुखा के और कुछ 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 डालते हैं, और उसमें यहाँ तक कि वो शक्कर भी हो तो कितना शक्कर खाओगे वो भी नहीं जमता. और वैसे ही जो है जितने भी फल फ्रूट जो डाल रहे हैं वो अलग खाने में ठीक है, लेकिन कैसे कैसे भिंगा के क्या करके डालते हैं, दैट वोंट गिव गुड टेस्ट, वो भी टेस्ट में नहीं आता. अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे ना, जो चीजें हैं उनमें कोई टेस्ट खाने से नहीं आता है और पसंद भी नहीं करते हैं. लेकिन उस सबको कहाँ करते हैं, मिक्सी में डालते हैं, ब्लेंडर में डाल के, मिक्सी में डाल के जब चलाते हैं ना, सब चीजें उल्टा पुल्टा आगे पीछे भर 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 सब चीज पीस के एक हो जाते हैं. पीस के एक हो गया, अब उसके बाद क्या हुआ, अभी भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में, कैसे तो भी कड़वा टाइप का कुछ टेस्ट करके देखो कि उसमें देखो मीठा ठीक है कि नहीं, कुछ बोले टेस्ट करो तो जाके मुंह धोना पड़ता है, अभी भी टेस्ट नहीं आया. सब चीज़ें अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, सबको एक साथ मिला दिए, फिर बेक करने के लिए डाले, ओवन में डाले या जिसमें भी डाले या आग पे रखे, जैसा भी रखे बेक किए, और बेक करने के बाद उसमें फिर खुशबू आना शुरू होता है. अड़ोस पड़ोस तक आके पूछते हैं कि भाभी जी क्या, आंटी जी क्या पका रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रिसमस आ गया क्या, केक की खुशबू, यानी केक की खुशबू भी तुमको मालूम हो गया, केक बन रहा ये भी मालूम हो गया, और उसके बाद खाने में तो फिर मजा ही आता. सारी चीजें अलग अलग है तो कोई मजा नहीं, एक सीधा है, गरीबी, भूखमरी, ये आवश्यकताएं, बीमारियां, झटके, निंदा, और कैसी कैसी चीजें जिनके लिए हम धन्यवाद नहीं दे सकते हैं ना, वो सारी चीजें एक साथ मिलके जब मिल जाती है ना, सब मिलती है, और भी नहीं मजा आएगा. लेकिन जब वो आग में तपता है, जब आग में उसमें पकता है, जब वो पक के तैयार होता है, उसके समान दूसरी खुशबू दुनिया में नहीं है, उसके समान टेस्ट कुछ भी नहीं है. इसलिए क्या बोलता है, ये सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं. सारी चीजों को मिला दिया, मिक्सी में डाला, सब चीजें मिलकर इतनी भलाई उत्पन्न हो गई कि हमने लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं कि वाह 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 क्या बात है, ऐसा भी बनता है, ऐसा भी चीज होता है. ये चीज है मैं आपको बताना चाहता हूँ. एक बार फिर पढ़ता हूँ, देखिए, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. उनकी इच्छा अनुसार बुलाए हुए बनना चाहते हैं क्या? उसकी इच्छा के अनुसार बनना चाहते हैं? यदि बनना चाहते हैं तो आओ उसके पास, आओ अभी उसके पास, धन्यवादी मन प्रकट करो, गिव थैंक्स अन टू हिम, उसको धन्यवाद दो. और सिर्फ धन्यवाद देने में क्या है, जुबान से नहीं, दिल से देना धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद नहीं, यहाँ से धन्यवाद, यहाँ से धन्यवाद, यहाँ मतलब जो मेरे अभी और सारी चीज़ों से धन्यवाद, सब हम भी सब चीज़ें मिला के धन्यवाद करें तो वो एक्सेप्टेबल है. हमारे पास जो भी परेशानियाँ हैं यीशु मसीह के नाम से सब दूर की जाएं, हमारा मन हल्का हो जाए, हमारा बोझ खत्म हो जाए, हमारे विचार सही हो जाए, और वी शुड बी थैंकफुल टू हिम एवरी टाइम फॉर एवर अनटू द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई शुड बी थैंकफुल टू हिम. ये कोशिश मैं कर सकता हूँ, और जब करता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह की सहायता मेरे अंदर में होती है, क्योंकि वो इतना प्यारा है ना,
इतना प्यार और कोई दूसरा नहीं दे सकता। बोल तेरे माँ बाप भूल जाएंगे लेकिन मैं तेरे को नहीं भूल सकता। इतना प्यार मतलब जो मुझे पैदा किए मेरे माँ बाप से ज्यादा, मैं जितने मेरे बच्चों को प्यार करता हूँ ना उससे ज्यादा मेरे बच्चों को वो प्यार करता है, मुझसे ऐसा प्यार करता है। उसीलिए बोलते हैं प्रभा गाती ही गाना कि तेरा प्यार ही मुझको मसीह पहुंचाता है कहाँ कहाँ, उदित ने लिखा है। और ये खुशियां जो आती हैं जाने कब जिंदगी में हमारे ये सारे गुनाह मिट जाते हैं ना, और सारी चीजें बुराइयां सब जो बुरी हम सोचते हैं ना, ये आशीषें नहीं है सोचते हैं ना, वो सारी चीजें जो हैं वो विपरीत की परिस्थितियां सब ब्लेंड होके सब चीजें एक होके जब पकती है ना, जब वो आग में प्रभु यीशु मसीह की आग में उसकी गर्मी में पकती है ना, तो रोए खड़े हो जाते हैं ना, गाल चिनचिना जाते हैं ना, आंख में आंसू आ जाते हैं ना। और वो प्यार जो है हमारा हमको चाहता है कि वही प्यार से हमें जिंदगी मिलती है, अंधियारा भी उजियाला में बदल जाता है, बिजली चमकेगी एंड ही विल गिव द लाइट, वो रोशनी दिखाएगा, अंधकार में भी तू देख सकता है एंड यू कैन वॉक विदाउट एनी ठोकर जा सकता है। कहां तक जा सकता है? उस सखरे मार्ग में सीधा स्वर्ग में जा सकता है। कहां क्या है? मेरा बाप है, मेरा बाप है, और वही सरनेम मेरा है जो यीशु मसीह का है, मेरे पे मोहर लगा है, मैं उसका औलाद हूं और उसके सारे हक मुझको मिलेंगे, उसका राज मुझको मिलेगा, वो घर मेरा है, वहां परमानेंसी है। परमानेंट एड्रेस क्या है? तो वही है स्वर्ग, एक ऐसी सुंदर जगह जहां मेरा यीशु रहता है, जहां आनंद है, ना भूख है, ना प्यास है, ना कुछ है, वही स्वर्ग है। और वो स्वर्गीय आनंद हम सबों को प्राप्त हो। खुदा इन थैंक्स गिविंग के इन महीने में हम धन्यवाद प्रकट करें, धन्यवाद दें, उसके आशीषों को नाम बनाम गिने, उसके दिए हुए धन्य सारी बातों को अपन अपने जिगर में रखें और सारी बातों को मिलकर भलाई को हम देखें, क्योंकि हम उसके बुलाए हुए हैं। और नहीं है तो आज बन जाइए। आइए इस गीत को सुनेंगे और उसके बाद दुआ के बाद हम आशीष प्राप्त करके आज की सभा को खत्म करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तेरा प्यार ही मुझको मसीह पहुंचाता है कहां कहां, खुशियों के साए में मुझे ले
हमारे पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावन की सारी चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न होती है। हमारे दिलों में जो है खुदा, जो मांग है, चाहत है, वो हम चाहते हैं कि तेरे पुत्र के माध्यम से हर चीज को हम प्राप्त कर सके, ताकि हमारा हौसला भी बुलंद बढ़ सके और हम प्रभु में मजबूत हो सके, आज के इन परिस्थितियों के में खुदावन हम खड़े रह सके, हमारे ऊपर जो परेशानियां आती वो सब निकल सके, दबाव जो है सारी चीजें सरल हो सके, जिंदगी अमर और चैन की रहे। हमारी दुआएं सुन, हमारे दिलों को जानता है, हमारी चाहत को जानता है, हमारी मांगों को चाहता है। बड़े दिन होके खुदावन तुझसे मांगते हैं कि हमारे चीचुंग हर एक को चंगाई दे जो बीमार है, और खुदावन जिनको तेरी आवश्यकता है तेरे साथ फोन दे, तेरे दाहिने हाथ को से टच कर, और सारी चीजें खुदा तू जानता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आज के इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे आने में समय हो और दिया हुआ जीवन हो तो एक और अवसर दे कि हम तुझे खुदावन धन्यवाद देते हुए मिल सकें और तेरा गुणानुवाद कर सकें। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते और दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। आशीष ग्रहण करें। परमेश्वर जो शांति का दाता है, तुम्हें आप ही पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारे देह प्राण और आत्मा को मसीह यीशु के आते तक निर्दोष और सुरक्षित रखे। परमेश्वर सच्चा है और ऐसा करेगा भी। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, संगति, सहभागिता तुम में से हर एक के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष।